हे व्हाट्स अप गाइस। सो अभी मैं हूँ कोल्हापुर में। आज से आगे के जितने भी वीडियो हैं वो थोड़े शॉर्ट्स वीडियो होंगे, लेकिन बहुत सारे जगहों पे हम लोग जाने वाले हैं, इसकी वजह से वो शॉर्ट्स वीडियो होंगे। तो बहुत सारे वीडियोस आने वाले कुछ समय में। सो अभी मैं हूँ फिलहाल कोल्हापुर में। कोल्हापुर के आगे थोड़ा कागल गाँव है, वहाँ पर मुझे स्टे करने के लिए अच्छा होटल मिला, सो मैं वहीं पर रुका हूँ। सो ये रहा सन, और यहाँ से बाहर का होटल का नज़ारा कुछ ऐसा। सो अभी मैं यहाँ पे आज रात तक ही रुकने वाला हूँ कोल्हापुर में। अभी मैं कोल्हापुर की जो सबसे प्रसिद्ध टेंपल है देवी का, महालक्ष्मी टेंपल, वहाँ पे जाने की सोच रहा हूँ। निकल चुका हूँ होटल से। ये रहा पीछे होटल है अपना। अभी मैं यहाँ से जा रहा हूँ प्राइवेट गाड़ी करके, कोई आपको दिखाता हूँ मैं मंदिर वगैरह। हो चुका हूँ, ये रहा पीछे महालक्ष्मी मंदिर है, और मैं यहाँ से पीछे से आया था। ये जो बहुत बड़ा गेट है इसको कहते हैं भवानी मंडप, और इसको बिल्ड किया था छत्रपति शाहू महाराज ने। बहुत बड़ा गेट है ये, इसको छत्रपति शाहू महाराज ने बिल्ड किया था, मतलब बनाया था, इसको भवानी मंडप कहते हैं। आप लोग जब भी यहाँ पे आओगे ना तो बिना पास के मत आना, क्योंकि बिना पास के एंट्री नहीं है। यहाँ पे ऑनलाइन स्लॉट बुकिंग होते हैं, ई पासेस होते हैं जो कि रजिस्टर करने पड़ते हैं। मैं आपको बताता आगे कैसे करना है। यहाँ पे ऑनलाइन पास होता है जो कि ऑनलाइन रजिस्टर करना पड़ता है, उसका स्कैन उस पर बारकोड स्कैन जनरेट होता है, तो वो आपको एंट्रेंस पे दिखाना पड़ता है, फिर आपको अंदर एंट्री मिलती है। उसमें ज़्यादा कुछ फॉर्मेलिटी नहीं होती है, सिंपली आपको पोर्टल पे जाना है महालक्ष्मी माता कोल्हापुर के, और वहाँ पे आपको आपका नाम, नंबर, मोबाइल नंबर, एज और आधार नंबर डालना पड़ता है। बस उसने डाल के वो PDF जनरेट होता है, उसमें बारकोड आता है, वो आप मंदिर में दिखाओगे ना तो आपको एंट्री मिल जाती है। तो एक स्लॉट होता है, हर एक घंटे का स्लॉट होता है, सुबह से लेकर रात 9 बजे तक के स्लॉट होते हैं। अगर वो कर लोगे तभी आपको एंट्री मिलेगी, डायरेक्ट जाओगे तो एंट्री नहीं मिलेगी। तो आप जब भी आना चाहोगे पहले आप ई रजिस्टर करना, स्लॉट बुकिंग करना, आफ्टर दैट आप यहाँ पे आना। ये एक मेरा सजेशन है। यहाँ पे कुछ शॉप्स हैं, ज़्यादा कुछ नहीं। ये रहा वो भवानी मंडप गेट, ये है मंदिर का एंट्रेंस, मेन एंट्रेंस यहीं से है। श्री महालक्ष्मी मंदिर भारत के विभिन्न शक्तिपीठों में से एक है। चालुक्य साम्राज्य के समय के करीब 700 AD में इस मंदिर का निर्माण होने का अनुमान है। काले पत्थर में निर्मित महालक्ष्मी माता की मूर्ति की ऊंचाई करीब 30 फुट है। अन्य हिंदू पवित्र मंदिरों में देवी जी पूर्व या उत्तर दिशा को देखते हुए मिलते हैं, लेकिन यहाँ देवी महालक्ष्मी माता पश्चिम दिशा की ओर देखते हुए मिलते हैं। वहीं पश्चिम दीवार पर एक छोटी सी खुली खिड़की भी मिलती है। निर्माणकर्ता ने इस मंदिर को ऐसे बनाया कि सूरज की रोशनी देवी जी के पद कमल को स्पर्श करते हुए देवी जी के आदर करे। किरणोत्सव के इस दिन विशेष घटना को देखने के लिए भारत के कोने कोने से हर साल हजारों लोग कोल्हापुर महालक्ष्मी मंदिर पहुंच जाते हैं। साल में 2 बार यह त्यौहार शाम में 31 जनवरी, 1 फरवरी, 2 फरवरी और 9 नवंबर, 10 नवंबर और 11 नवंबर में मनाया जाता है। इस मंदिर के अंदर 9 ग्रह भगवान सूर्य, महिषासुर मर्दिनी, विट्ठल रुक्माई, शिवजी, विष्णु, तुलजा भवानी माता आदि देवी देवताओं को पूजा करने का स्थल भी दिखाई देते हैं। इन प्रतिमाओं से कुछ 11वीं सदी की भी हो सकती है। हालांकि भारत के इस भाग में कई बार हमले होने के कारण सुंदर मूर्तियां जो कि मंदिर के चारों ओर देखने मिलते हैं उनका नुकसान हुआ है। तो अभी हम लोग यहाँ से आए थे, यहाँ पे हम लोगों ने दर्शन कर लिया, और ये रहा महालक्ष्मी माता का मंदिर। आज बहुत ही सुंदर दिख रहा है उजाले में, लाइटिंग लगाई है। यहाँ पे कुछ शॉप्स है, मुझे पता नहीं वहाँ पे फोटोग्राफी अलाउ है नहीं, तो मैं अभी यहाँ पे वीडियो स्टॉप करता हूँ। महालक्ष्मी माता का दर्शन हो चुका है, हम लोग यहाँ से अंदर घुसे थे और यहाँ से बाहर निकले हैं। सब यहाँ पे कार्तिक स्वामी का मंदिर है। अंदर जाके दर्शन ले लेता हूँ। ये एक और मंदिर का एंट्रेंस है। अभी यहाँ से पालकी निकल रही है भगवान की। और अंदर आपको मंदिर दिख रहा है। अपने पर्सनल व्हीकल से आओगे तो वेल एंड गुड है, और अगर आप बाय ट्रेन से आते हो या फिर बाय बस से आते हो तो मंदिर से स्टेशन और बस स्टैंड अप्रोक्सीमेट 3 किलोमीटर के अंदर है, सो कोई बात नहीं है। और रिक्शा वाले ऑलमोस्ट 20 से 30 रुपये लेते हैं कहीं से भी,
सो आप लोग आ सकते हो। ये रहा वहाँ का, हम लोग यहाँ से अंदर गए थे भवानी मंडप, अभी हम वापस से पीछे जा रहे हैं, रिक्शा पकड़ूंगा देन वापस अपने होटल। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। आगे और ऐसे बहुत सारे वीडियो आने वाले हैं, सो गाइस प्लीज स्टे ट्यून्ड। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय। Let me go, there's no doubt, gotta get